बाथरूम हा जतका नजदीक में राख से तथा महिला मन ले गरी होते नगर ना हमला खाना खाल जाल भात है ना हमला भूख नहीं लागत है ना हमला प्यास नहीं लागत है ना हमला कुछ नहीं लागत है हम वहाँ गए हैं कि भक्त है तो भक्ति जनता देख के ऐसे लगा थे कि घर मिल गए परिवार मिल गए मैंने सब चीज मिल गए हम वहाँ गए इनका शिवपुरा में बहुत बड़े मैं गुरुदेव की कथा का क्या बखान करूं और उसने क्या नहीं दिया उसका वर्णन करना मेरे मतलब किस्मत में जो मिला है उसको मैं बता ही नहीं सकती। ये महापुराण का जो भगवान के पुराण कोई गलत लगी? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कल्पना नहीं कर सकती, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है मैं बता नहीं सकती। जन्नत है ये पंडाल जन्नत। बारिश होती तब भी से कीचड़ में बैठे रहे हैं 7 दिन तक से। जोहार छत्तीसगढ़ संगवारी हो, जैसे कि आप मतलब पता है बालोद जिला में जुंजेरा ग्राम में शिवमहापुराण के आज तीसरा दिन है, वही सिलसिला में आज हम मना आप मतलब पंडाल के अंदर के कवरेज करे पर अभी शाम हो गए रात हो गई है, अभी का स्थिति रहते रात में मन कैसे ढंग के रहते जे मन बाहर से आए ओकर मन के रहना बसेरा किस टाइप के होते तेला मन जानबो एक मन से बातचीत करबो तो बने रहो हमारे चैनल में। हमर मन सन अभी कुछ श्रद्धालु है जे मन यहाँ पंडाल में अपन व्यतीत करे थे समय ला इंचे रुके हावे कहाँ ला हमन विश्रामपुर से आए हैं। तो कैसे लगती थी वहाँ पर? बहुत अच्छा लगा था। तो पंडाल के एकदम फ्रंट में बैठे हो आप मन? हाँ सेंटर जगह में बैठे, मैं 3 दिन हो गया हूँ। तो कैसे व्यवस्था ठीक है? खाना बहुत अच्छा ठीक है, खाना पीना भी बहुत अच्छा है, बाथरूम वगैरह की सब चीज़ की सुविधा अच्छा है मन में। अभी पूरा दिन 5 दिन रुकना है? हाँ 5 दिन रुकना है। शिवमहापुराण आप मन कब से सुना था? बहुत दिनों की सुना था। तो कुछ लाभ आप मिले? हाँ लाभ मिले से, बहुत लाभ मिले इससे, उपास वगैरह उपास भी रहता बहुत लाभ मिले। कहाँ से आप? अर्जुंदा तेली टोल। कैसे लगते शिवमहापुरा? बहुत अच्छा लगता है। कब से सुना था आपने? हमने हाँ 2012 से। 2012 से सुना? हाँ। अभी तक कुछ लाभ आप मिले? हाँ बहुत लाभ मिले, उपास वगैरह रहते हमन उपास भी रहे, 2 ठो उपास हो गए पशुपति वाला। लाल के एकदम आगू आप मन जगह से क्या? वो कब से आओ? हमन हाँ शुरू से, पहला दिन से आओ? हाँ। ओकर पहली आके जगह से क्यों? नहीं 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 रखे, वही दिन से आओ। अच्छा और कहीं गए हो? हाँ रायपुर भाटा पारा गए हैं, रायपुर गए हैं गोढ़ियारी और हाले कोसा गए हैं, भिलाई गए हैं, मतलब सब जगह गए? हाँ सब जगह पहुँच गए। कुछ सियान घलो खाबे ओकरो मन से जानबो हमन है कैसे ढंग के मतलब यहाँ अपन समय बिता थे। कहाँ ला जाई? नहीं हाँ निपानी ला हूँ। निपानी ले तो कैसे लगते शिवमहापुराण? शिवमहापुराण कैसे भगवान के पुराण कोई गलत लागी? बने लगते? हाँ तो टीवी में देखा तो भी? टीवी में रोज देखते हमार खाना छोड़ देते हैं। हाँ अब तो 1 बज गए, हमार खाना पके बार खाए बार देरी हो गए। हम खाना नहीं खान टीवी देखते। अच्छा जब तक खत्म नहीं हो तब तक नहीं खान भोजन बंद? हाँ तो अभी आगू में बैठे हो आप पंडाल के एकदम कैसे कहाँ कब क्या हो जगह घेर के रखें? 22 तारीख के 23 के 23 तारीख के खाना वगैरह बढ़िया ठीक ठाक मिला? सब मिला थी। बाथरूम वगैरह? वो अब बाथरूम हाँ जतका नजदीक में राख से तथा महिला मन ले गरी होते नगर गंदगी कर देते दूरी हम रखे है दूरी हम जाए पड़त है ठीक है सब चीज़ है दूरी हम रखी तो फिर बनी ये पहली बार है। पहली बार है ना ये महाराज है ना साक्षात भोलेनाथ है जिया जिया जही ना तिहाँ तिहाँ गंगा मैया पहली प्रगट हुई तकर बात कथा हुई पानी पहली गिर पानी पहली गिर नहीं गिरे गिरते गिरते ये महाराज के आवाज है महाराज के कथा वो ऐसे कहानी कहते बने लाख अब मैं काला बोता हूँ कथा कथा हम मुहा गए इनका शिवपुराण में तब लोगन मन हरे। आप कहाँ से आए हो माता जी? मैं यहाँ भिलाई से आया हूँ। भिलाई से हम हैं? हाँ। कैसे लगते शिवमहापुराण? बहुत अच्छा है, हमन तो घर में मतलब 2 साल से देखना कथा होगी। उपवास वगैरह?
उपास अभी ये देखी था ना एकादशी साज वो कलर है हन तो फल वल जो भी मिली सो खान और भगवान के कथल छोड़ के कहाँ घर जाब कि हैं हम अब रात और दिन कब से हमारे 24 तारीख के आन व्यवस्था ठीक लगा था आप व्यवस्था तो ठीक है फिर वही लेटिंग बाथरूम थोड़ा दूर में है ना ठीक है सब अच्छा है व्यवस्था मन नहीं आ पाते उमला तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाते थे घंटी बीच से बाहर में बहुत ज़्यादा दिक्कत वही तो परेशानी है धूप में बैठे है तो ओकरो हमारे कल ही लगते ना बहुत ज़्यादा दुख लगते हो धूप में इतना बड़े एक आठी और पंडाल थे तो अच्छा लगती आप भिलाई करो भिलाई में भी अभी सीमापुरा में वहाँ हाँ वहाँ भी 7 दिन तक से गए हन बारिश होती तब भी से कीचड़ में बैठे रहे हन 7 दिन तक से अभी अब कहाँ वहाँ वही तक बोला था ना जाबो ऐसे करके और कुछ लोग यहाँ पे जेमन अपन घर द्वार ला भुला गए यहाँ पे यहाँ के सुविधा और माहौल ला देख के सीमापुरान के अति प्रेम है बेकर मन प्रति बात करबू कहाँ लाओ दीदी मैं यहाँ भिलाई से आऊँ पारस भिलाई से कैसे लगा था मोड़ा तो एकदम अच्छा लगा थे मैं सी भागता रहूँ कांवर पकड़ के जाता हूँ भैया मैं यहाँ पैदल यात्रा 120 से मैं आज से आ हूँ हाँ व्यवस्था कैसे लगा थी व्यवस्था बहुत अच्छा लगा थे घर द्वार ला कौन देखी इंचे मोर लोग लैका है ना देखी भोलेनाथ देखी भोलेनाथ देखा थे भोले बाबा के बहुत भरोसा में छोड़ के आ गए इंचे रुकना है भी सामने में बैठे हैं वो कैसे टाइप के आप मतलब महाराज मैं तो अभी ना आ हूँ यहाँ पर मैं दूर में बैठी रहूँ लेकिन मोर भोले बाबा से अच्छा लगी वो बहुत नाचे हूँ मैं यहाँ मोर पैर में कीचड़ भी हो गए हाँ मैं बहुत नाचता हूँ आज रात में इंचे हाँ पंडाला छोड़ के ना हमला खाना खाल जाल भात है ना हमला भूख नहीं लागत है ना हमला प्यास नहीं लागत है ना हमला कुछ नहीं लागत है हम मोहा गए हैं कि भक्त अति भक्ति जनता देख के ऐसे लगा था कि घर मिल गए परिवार मिल गए मैंने सब चीज़ मिल गए और सब चीज़ की व्यवस्था बहुत अच्छा व्यवस्था है बालोद जिला में मैंने हमारे जिला ही बालोद कह रहा भैया हाँ अच्छा है सब चीज़ व्यवस्था अच्छा है हाँ बढ़िया है सब सीमापुरान के जो क्रेज है वे जेन प्रशंसक है वे महिला मन बहुत ज़्यादा है वे तो महिला मन से हम आज गोड़ बात करा था अभी और कुछ महिला है जे मन बहुत उत्सुक है बात करे बार कहाँ लाओ दीदी मैं नगरी सिहा खमरिया से आई हूँ कैसे लगते सीमापुरान बहुत बड़े मैं गुरुदेव की कथा का क्या बखान करूँ और उसने क्या नहीं दिया उसका वर्णन करना मेरे मतलब किस्मत में जो मिला है उसको मैं बता ही नहीं सकती मेरा बेटा छोटा मेरा देवरानी का छोटा बेटा जो बोल नहीं सकता था वो बहुत दूर से कुछ भी बात नहीं कर सकती थी वो ना माँ पापा कुछ भी बोल नहीं पा सकते हम लोग ना उसके घर से ले जाकर सीहोर गए सीहोर में कुबेश्वर भंडारी में जल चढ़ाएँ महाकालेश्वर गए उज्जैन में जल चढ़ाएँ वहाँ से जल लेकर आएँ और पत्र भी लिखे हैं गुरुदेव के लेकिन वो पढ़े नहीं हैं और टाइम की वजह से पढ़ नहीं पाए और हम लोग ना उस वहाँ से जल को लाकर एक महीने पिलाएँ और ना अभी वो बाबू ना बात करने लेता हर चीज़ बात कर लेता है स्कूल भी जाता है सब चीज़ करता है और ना ऐसी बहुत सी क्या बखान कर उसकी महिमा तो का पता नहीं था क्या मतलब हम लोग नहीं नहीं जिस वक्त हम लोग ना वहाँ से ओमकारेश्वर से जल जलाए जो सीलिंग में चढ़ाए थे ना उस जल को लेकर आए और थोड़ा थोड़ा करके रोज पिलाएं बच्चा बोलने लग गए और अभी आप कब से आए हो यहाँ पे हम लोग ना कथा के पहले दिन से ही आए हैं 24 तारीख से आए हैं तो कैसा व्यवस्था ठीक लग रहा है व्यवस्था ठीक है सब चीज़ अच्छा है थोड़ा सा तो परेशानी होगा उसको तो एडजस्ट करते हैं जो बैठे हैं उनको सीट नहीं मिल पा रहा है बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं तो जो अभी आने वाले कल के डेट पे ऐसा जो आना चाहते हैं उनको क्या बोलेंगे आने वाले डेट में जिसका के लिए आना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा व्यवस्था और करना चाहिए थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए जैसे कि बहुत दूर में सेप्टिक है बहुत दूर में खाने का भंडारा है इसके लिए भी थोड़ा सा औरतों को तो असुविधा ही होती है जाने के लिए इसे थोड़ा सा नज़दीक होना चाहिए अच्छा, था पशुपति वगैरह उपास वगैरह हाँ पशुपति उपास भी रहे उसका भी फायदा हुआ कुछ कुछ तो लाभ हुआ मेरे गले में समस्या था वो भी ठीक हुआ आओ भी है महिला मन बात करबू जी दीदी पता मैं दीपिका साहू नगरी खमरिया से हूँ क्या फायदा हुआ पता
पंडाल में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब बहुत दिन से अरमान था कि एक बार पंडाल में अपने बच्चे के खातिर जाके रुकूंगी करके, और मैं आके रुकी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत मन्नत से आई हूँ कि अपने बच्चे को ठीक होगा करके, और मेरा बच्चा ठीक हो गया, उसी कारण मैं पंडाल में आके बैठी हूँ सर। पहली बार आए हो? जी मैं पहली बार आई हूँ। नहीं, इससे पहले मैं टीवी में रोज़ देखती थी घर में, लेकिन पंडाल में मैं पहली बार आई हूँ सिर्फ अपने बच्चे के खातिर। तो अभी ठीक लग रहा है यहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कल्पना नहीं कर सकती, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। जन्नत है ये पंडाल, जन्नत। महाराज को अभी देखे कि नहीं, कि दूर से दिखाई दे रहे कि नहीं यहाँ से? हाँ दिखाई दे रहे, गुरुदेव ना दिखाई दे रहे हैं ना। ये लोगन मन के प्रतिक्रिया है भाई।